Hello learners, today's topic of discussion is SEBI. SEBI is the regulator of Indian securities market. So, आज के discussion में हम देखेंगे background देखेंगे SEBI की, then organizational structure of SEBI क्या है, then objectives of SEBI, functions of SEBI पढ़ेंगे हम, powers of SEBI और then last में कुछ descriptive questions. So, सबसे पहले देखते हैं background. 1970s के लास्ट में और 1980s में कैपिटल मार्केट जो थी इंडिया में उसने डेवलप करना शुरू किया. उससे पहले क्या होता था कि कंपनीज जो होती थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लोन के लिए डिपेंड करती थी. लाइक जो कंपनी को कैपिटल चाहिए या फंड चाहिए तो कंपनी बैंक से या इसके अलावा इवन जो LIC है या फिर म्यूचुअल फंड्स है इनसे फंड्स रेज करती थी. बट 80s में जब कैपिटल मार्केट या जिसको हम सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं डेवलप होना शुरू हुई तो कंपनीज जो थी थ्रू शेयर्स कंपनी शेयर्स इशू करती थी जनरल पब्लिक को और उसके थ्रू जो थी फंड रेज कंपनी ने करना शुरू कर दिया. सो जैसे जैसे कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप करती गई उसके साथ साथ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जिसको हम मेल प्रैक्टिसेस कहते हैं वो भी स्टार्ट हो गई. लाइक किस तरह की प्रैक्टिसेस, लाइक अनऑफिशियल सेल्फ स्टाइल्ड जो मर्चेंट बैंकर्स थे वो एग्जिस्टेंस में आ गए. इसके अलावा अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स शुरू कर दी कंपनीज ने. रिगिंग ऑफ प्राइसेस मीन्स प्राइसेस शेयर प्राइसेस की जो फिक्सिंग थी वो स्टार्ट हो गई. देन नॉन अडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा. तो इस तरह की कुछ मैल प्रैक्टिस जो थी वो भी एग्जिस्टेंस में आ गई. सो ड्यू टू दीज मैल प्रैक्टिसेस पीपल स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक मार्केट. तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो था स्टॉक मार्केट से जो था वो दे स्टार्ट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो SEBI था उसको इस्टेब्लिश किया. तो SEBI इस तरह से SEBI जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश SEBI दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1988 एज ए रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. तो SEBI 1988 में एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई. 12 1992 में SEBI को SEBI एक्ट 1992 बना और SEBI एज ए ऑटोनोमस बॉडी एग्जिस्टेंस में आई और उसको कुछ उसको स्टैट्यूटरी पावर्स जो थी वो मिली. स्टैट्यूटरी पावर्स मतलब सब लीगल पावर्स SEBI को मिल गई. SEBI से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो था वो रेगुलेट करता था कैपिटल मार्केट को. तो इस तरह से जो SEBI है 1992 में एग्जिस्टेंस में आया. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ SEBI. तो SEBI की जो बोर्ड है उसमें 9 मेंबर्स होते हैं. जो चेयरमैन होता है SEBI का उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. इसके अलावा 2 मेंबर्स आर फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 मेंबर ऑफ बोर्ड इज़ फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो रिमेनिंग 5 मेंबर्स है दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें से 3 जो मेंबर है वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं. सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ SEBI. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEBI. अब हम पढ़ेंगे कि SEBI के ऑब्जेक्टिव क्या है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. तो कैपिटल मार्केट को इन्वेस्टर्स के बिना इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसलिए SEBI का ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. तो किस तरह से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है SEBI. जैसे कंपनीज क्या करती है कई बार अपने प्रोस्पेक्टस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देती है इन्वेस्टर्स को, उनको चीट करती है या इसके अलावा डिले होता है शेयर्स की डिलीवरी में या पेमेंट में. तो इस को रोकने के लिए जो SEBI था तो SEBI का ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है उनको रोका जाए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट. कैपिटल मार्केट को डेवलप करना भी SEBI का ऑब्जेक्टिव है. देन टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू. SEBI का ऑब्जेक्टिव है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट किया जाए और जितने भी मैटर्स है सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गई, उनको भी SEBI जो है वो रेगुलेट करती है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEBI. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ SEBI. तो SEBI के फंक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन से हैं. सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय SEBI टू कंजर्व द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इट्स कोर प्रोटेक्टिव फंक्शंस आर टू चेक प्राइस रिगिंग.
प्राइस रिगिंग क्या होता है? प्राइस रिगिंग को प्राइस फिक्सिंग भी कहते हैं। तो प्राइस रिगिंग में क्या होता है, कई कंपनी कई बार प्राइस मैनिपुलेशन कर देती है, जो शेयर की प्राइसेस है उसको मैनिपुलेट करती है, उसको इन्फ्लेट करके, मतलब शेयर की प्राइसेस को बढ़ा के या डिप्रेस करके या उसको डिक्रीज करके इन्वेस्टर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको चीट करने के लिए दिखा देती है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है सेबी जो है वो रोकता है। देन है टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। द स्टॉक प्राइस ऑफ एनी कंपनी गेट इमेंसली अफेक्टेड बाय एनी पब्लिक अनाउंसमेंट और न्यूज़ अबाउट द कंपनी। सो जो भी कंपनी के जो शेयर प्राइसेस होते हैं उनकी वो जो भी न्यूज़ है कंपनी की, इंटरनल न्यूज़, उससे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है। अगर कंपनी की फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल न्यूज़ कोई अच्छी न्यूज़ है तो उसका इफेक्ट उसके शेयर प्राइसेस पे पड़ेगा, उसकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के बारे में तो उसका इम्पैक्ट होगा कि कंपनी के शेयर प्राइसेस डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो इनसाइडर्स होते हैं इनको सबसे पहले पता चल जाता है। तो कई बार इनसाइडर्स जो होते हैं कंपनी के, लाइक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, प्रमोटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, तो इनको ये न्यूज़ पता होती है, एंड दे कैन मिसयूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। वो इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं। जैसे अगर उनको लगता है कि कोई अच्छी न्यूज़ है जिससे कि कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, शेयर प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, तो वो पहले से ही शेयर्स को परचेज़ कर लेते हैं। या कोई ऐसी न्यूज़ है जिनसे उनको लगता है कि इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइसेस पे, तो वो शेयर को सेल कर देते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सेबी ने एक रूल बना दिया है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सेकेंडरी मार्केट पर शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो दैट इज़ टू प्रिवेंट द इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर इन्वेस्टर्स। सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एजुकेशन देता है, लाइक उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को, और इन्वेस्टर्स की एंड ट्रेडर्स की जो सेबी है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार और ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा सेमिनार्स में जैसे मनी मैनेज के रिगार्डिंग या बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया जाता है। तो सेबी का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट, सो दैट दे आर एबल कि वो रिकोगनाइज कर पाएँ कि कौन सी कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सेबी। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी। सो डेवलपमेंटल में फर्स्ट इज ट्रेनिंग। सेबी जो है वो अपने इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट में, लाइक ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर्स, डिपॉजिटरीज, ट्रांसफर एजेंट्स। सो दीज आर द इंटरमीडियरीज, और कंपनी इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। देन सेकेंड इज़ द डेवलपिंग कैपिटल मार्केट। तो सेबी की जो अप्रोच है काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है, लाइक अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सेबी इज़ ऑलवेज ओपन कि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए कैपिटल मार्केट में। इसके अलावा कंडक्टिंग रिसर्च, सेबी रिसर्च को इंकरेज करता है फॉर इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल मार्केट्स। सो दीज आर द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस। सो रेगुलेटरी फंक्शंस इन्वॉल्व इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अलॉन्ग विद कॉर्पोरेट्स दैट हेल्प इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द मार्केट। सो रेगुलेटरी फंक्शंस में जैसे रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सेबी जो है उनकी रजिस्टर और रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को सेबी। देन सेबी जो कंपनी टेक ओवर करती है उसको भी रेगुलेट करता है। देन कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ एक्सचेंजेस। इसके अलावा रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी सबको रेगुलेट करता है, जो भी कैपिटल मार्केट से रिलेटिंग एक्टिविटीज़ है या कैपिटल मार्केट से की एक्टिविटीज़ है, उन सबको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेबी के पास पावर्स क्या क्या है। सो वट आर द पावर्स ऑफ सेबी। सो फर्स्ट इज़ टू रेगुलेट एंड अप्रूव बायलॉज ऑफ एक्सचेंज। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है और उनके लॉज को जो है, बायलॉज को है, उसको अप्रूव करता है। देन सेकेंड वन इज़ टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के पास पावर है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है लाइक NSE, BSE, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेबी इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, मतलब किसी भी पीरियड के वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनसे मांग सकता है।
देन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है कंपनी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, सेबी के पास ये पावर है. देन टू कंपेल सर्टन कंपनीज टू गेट लिस्टेड ऑन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनीज को सेबी इंस्ट्रक्ट कर सकता है लिस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में, अगर सेबी को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो कंपनीज को कह सकता है कि एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाए. देन टू हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन भी, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैटर है वो सेबी ही हैंडल करता है. सो दीज आर द पावर्स ऑफ सेबी. सो दिस इज अबाउट द सेबी. अब लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा. सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द दिस सेशन. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.